ना पैखाना है, खाली नल बना दिया है, ना पैखाना है ना सोखता है, कुछ सोखता उखता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फेल है, फेल है, फेल है। उस तहत आपको धरातल पे काम दिख रहा है? नहीं, काम तो ऐसा नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा है बाथरूम का दिक्कत है, बाथरूम मिल में आना ही सुविधा है। नमस्कार, प्रणाम, गौर लागतानी, आप लोगों का स्वागत करते हैं हम नेशन भारत के प्रोग्राम भावी जी पंचायत में। वैसे बता दें कि जंदाहा प्रखंड में मेरा दौरा चल रहा है और जो पंचायत में आके हम बात कर रहे हैं वो है नारी खुर्द पंचायत। यहाँ पे जैसा कि हमारा काम जो है कि मुखिया जी लोग के बारे में पता करना, वो तो हम करवे करेंगे और यहाँ के लोगों से बात करके पता करेंगे। वैसे बता दे कि यहाँ तो सब लोग जान गए हैं कि अब भावी पंचायत में घूम रही है और वो तो जन्मे करती कि पंचायत में, लेकिन इन लोग पंचायत में आगे ही नहीं जानते थे, लेकिन अब तो बेसर्वी से इंतजार कर रहे हैं लोग यहाँ मुखिया जी के बारे में बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाए, रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। भैया ये बताइए कि 5 साल का जो काम कार्यकाल उनको दिए हैं काम करने के लिए मुखिया जी को, उस दौरान कुछ काम हुआ है? हाँ हुआ है सर। क्या क्या काम हुआ है? वैसे नल जल हुआ है, शौचालय का काम हुआ है, नली गली का, नली गली का भी हुआ है सर। अच्छा, जैसा कि काम के आधार पर वो पास है कि फेल? पास है सर। पास है भैया, ये तो बता रहे हैं कि पास है। आइए, चाचा जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इधर आ जाइएगा। चाचा जी ये बताइए कि मुखिया जी कुछ काम की है? ना। नहीं की है। ये बताइए कि आपको पेंशन मिलता है? ना। नहीं मिलता है? आवास मिला है? इंदिरा आवास मिला है। मिला है। नली गली ना? कुछ ना, कुछ नहीं। आइए दादा, ये तो बोलिए 5 साल का कार्यकाल आप लोग चुन के देते हैं, उसमें कुछ काम नहीं किए? वो मैं तो काम किया था, पैसा नहीं मिला है तक। तो ये बताइए कि मुखिया जी पास की फेल काम के मामले में? ये तो फेल है, फेल है भैया, कहे कि इनको काम करके नहीं दिए, तो ये तो बता रहे हैं। बाकी लोग बोल रहे हैं जिसको काम का सुविधा मिल रहा है वो पास किए जा रहे हैं। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं। आइए चाचा जी बताइए कि इस पंचायत में आप लोग जो ईमानदारी पूर्वक चुने हैं मुखियाइन जी को, तो उस दौरान यानी कि 5 साल के कार्यकाल में कोई सुविधा मिल रहा है काम का? सुविधा तो है, लाइट बत्ती को मिला है, जहाँ तहाँ सुखसा बना है, कहीं नहीं बना है, गली गली में रोड बना है। रोड बना है? हाँ। तो आपको 60 साल हो गया? जी नहीं, नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आवास मिला है, इंदिरा आवास? इंदिरा आवास हम लोग का नहीं मिला है। नहीं मिला है, तो कहाँ है घर है आपका? घर कहाँ है? तो आवेदन दिए थे? आवेदन लिखा हुआ है, बोला है। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड मिला है? आयुष्मान कार्ड? हाँ। स्वास्थ्य कार्ड? स्वास्थ्य कार्ड वो प्रधानमंत्री? हाँ 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 हाँ, मिला है। मिला है तो यूज कर रहे हैं, मतलब उपयोग कर रहे हैं? कहाँ, अभी कुछ पड़ेगा तब तो यूज करेंगे ना। अरे हाँ, सही बात बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि काम के आधार पर मुखिया जी पास की फेल? पास है। पास है भैया, चाचा जी बता रहे हैं कि काम का सुविधा मिल रहा है और जैसा कि यहाँ पे सब सड़क गली गली बता रहे कि बनाया गया, सोखता बनाया गया। चलिए नल देख लेते हैं और पानी भी देखेंगे, काहे कि कहीं कहीं जल है। ये जैसा कि कहा है चाचा, अभी बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये बता रहे कि बिजली नहीं है इसलिए पानी नहीं चल रहा है। वैसे टोटी तो लगा हुआ है, ये तो दिख गया, और सोखता बना हुआ, ये सोखता है? ये नहीं है। तो ये कहा है? बना है, अभी नहीं बना है। तो ये नाली का कहाँ निकासित है? गड्ढे में रहता है, नाली का सुविधा नहीं है हम लोग। तो ये तो पूछ रहे थे, देखे अभी ये जो है ना, हम लोग का सर पानी गिराने का साधन नहीं था, जहाँ जहाँ नलका मिला है सरकार के ओर से, वहाँ वहाँ खद्दा खन के हम लोग बसर कर रहे हैं। बसर कर रहे का इस मामले में नहीं बात की है? कहे ना, तो हम तो अखनी आ रहे हैं सर नीचे से। बात नहीं की है मुखिया जी से? मुखिया बनवा दीजिए। हम लोग कहे तो जगह नहीं है। जगह नहीं है? जगह नहीं है, तो परेशानी तो हो रहा है ना? हाँ परेशानी तो हो रहा है सर, परेशानी। बताइए जी, नाला नाली का काम तो यहाँ नहीं दिख रहा है, और जैसा कि देख लीजिए ये लोग गड्ढा खोद के और ऐसे अस्त व्यस्त छोड़ दिए हैं, ये तो बीमारी का घर हो जाएगा।
जैसा कि हम देख रहे हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ क्या क्या और विकास के मामला में इन लोगों को सुविधा मिल रहा है। सब काम कर दिए हैं, जब हम लोग जानते हैं क्या क्या काम आया उनको पास। तो नाला नाली का सुविधा, नाला नाली तो बन ही रहा है, बन रहा है। अच्छा ये बताइए, पेंशन मिलता है हमको? हाँ मिलता है, आवास मिला है? आवास मिला था बहुत दिन पहले। अच्छा मिल गया था 2500 वाला। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कभी घटना दुर्घटना होता है तो मिलने आते हैं मुखिया जी? नहीं समझे, मदद करने आती है? हाँ 1500 रुपया मिलता है मर जाने पड़े। अच्छा ये मिलता है, बाकी ऐसे व्यक्तिगत रूप से मदद नहीं करते जी? नहीं बा, 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 तो मुखिया जी पास के फेल, और फेल हो जाए भाई कहे की काम तो नहीं दे रहे। आई से बात करते हैं, आई विकास का काम तो दिखा है, नली गली नल जल बना है सबको, अथी सेफ्टी बना है जी। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि नली गली के बारे में बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जहाँ नल बना है टोटी पानी का सुविधा मिल रहा है लेकिन पानी का निकास का सुविधा नहीं मिल रहा है, इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में जो बताया जो मुखिया जी, जो जिसका गिराने का साधन नहीं है, जो पानी गिराने का उसी का सेफ्टी बना जाता है। इधर गड्ढा खोन के? हाँ गड्ढा खोन के, गड्ढा खोन के तो वो तो देखे नहीं, तो पहले से गड्ढा खोना हुआ है, इसे सेफ्टी अपना से रिंग बैठा है। अच्छा सोखता बन जी, सोखता बना। अच्छा ये बताइए कि जैसे कि काम के मामला में मुखिया जी, अभी तो पास है मेरे तरफ, पास है देखिए कैसे बताइए। नल चाहिए हमको, नल नहीं बन मिला है ना, तो बारे में मुखिया जी से नहीं बात किए थे लेकिन हम नहीं थे, कुछ मेरा ही में भूल हुआ। अच्छा दिक्कत होता है नाले की, पानी का सुविधा नहीं मिला। अच्छा मिलता है आपको, आप ये बताइए पेंशन मिलता है? हाँ मिल, आवास मिला है? आवास मिला है, मिला है, मतलब खाली आपको पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है। तो मुखिया जी पास की फेल? हाँ पास की फेल, मुखिया जी काम किए हैं तो पास है, नहीं किए हैं तो फेल, पास है, पास है, पास है। ये बता रहे हैं इनकी गलती के कारण पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है, ये और लोगों से बात करके पता कर। जो जो परेशानी है एक बार में बोल दीजिए। सबसे ज्यादा है बाथरूम का दिक्कत है, बाथरूम मिल में आना यहाँ सुविधा है? कोई सुविधा नहीं। घर मिले ना कुछ, घर भी नहीं मिला है ना। अभी बोली निकल रहा है, देखिए ये शर्मा के भाग गई थी और अब बोली निकल रहा है, कहे कि लोगों को देख रही है जागरूक होते हुए और बताते हुए। दिक्कत है बाथरूम के, कानू सुविधा है बाथरूम के? कोई सुविधा ना, बहुत दिक्कत है। देखिए चाची भी अब उठाई है आवाज, हाँ बताइए। कल उस वक्त से दिक्कत ना, ना बाथरूम का सुविधा है ना, पानी गिरावे के सुविधा है ना, कॉल है ना, पानी गिरावे के साधन ना है हमारा। देखिए भाई चाची तो परेशान है कि जो परेशानी का कारण है वो भी बता रही है, आइए से बात करते हैं। ये बताइए भैया कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा योजना जो आया उस तहत आपको धरातल पे काम दिख रहा है? नहीं काम तो ऐसा नहीं दिख रहा है, काम नहीं दिख रहा है, तो इस बारे में बात की है? नहीं बात हमारे मुखिया जी से, विकास का काम काहे नहीं हो रहा है? नहीं ये मुखिया जी से बात नहीं हुआ है, जो विकास का काम नहीं हुआ है सब है। आप तो नागरिक है भाई, यहाँ आप लोग 5 साल का समय यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो विकास का काम नहीं दिखा तो आप नहीं जाके बोले कि यहाँ का काम नहीं हो रहा है? नहीं ये चीजें मुखिया जी से नहीं पूछे थे, नहीं बात किया। तो ये बताइए कि मुखिया जी पास की फेल? अभी तो समझिए पेस फेल ही है, फेल है, काम नहीं किए तो, काम नहीं किए तो फेल ही है, ठोकता उकता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो फेल है, फेल है, फेल है। तो बात सही कह रहे हैं चाचा जी, वैसे हम नल का जो सुविधा नहीं मिल रहा, किसी को बाथरूम का सुविधा नहीं मिल रहा, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं हमको सुविधा मिल रहा है, जैसा कि नाला के बारे में भी देख के समझ में आ गया। अब मेरा काम है यहाँ से मुखिया जी से ये सब परेशानी जो है सुविधा मिला है उस सब बारे में जाके सीधा सीधी बात करने का, कहे कि जो पंचायत है ना उसकी मुखिया सुधा देवी है, अब उन्हीं से बात होगा इस सब के मामले में। चले आइए, न पैखाना है, खाली नल बना दिया है, न पैखाना है न सोखता है, कुछ सोखता है नहीं, सोखता नहीं, पांच नंबर वार्ड से हथिन रामानंद आ रहे हैं मुखिया जी से बात करने, सभी बाकी ये सोखता नहीं, न पैखाना के सुविधा है। देखिए भाई परेशानी बहुत है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बात के और वार्ड में भी देखे कि बात के कि यहाँ पे परेशानी हो रहा है और लोगों को सुविधा नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं और सीधा सीधी मुखिया जी से बात करते हैं, आइए।
तो देखिए हम आ गए हैं मुखियाइन जी के कार्यालय में, नारी खोक पंचायत के जो मुखियाइन जी हैं सुधा देवी, उनसे बात करने। वैसे बता दें कि सुधा देवी जी से तो नहीं, लेकिन मुखियाइन के जो पति हैं यानी मुखिया पति से बात होगा उनके 5 साल के कार्यकाल के बारे में, और साथ ही जो परेशानी है लोगों का वो सब भी हम बात कर लेंगे भाई। तो चलिए सीधा सीधी बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या हुआ? रामानंद पासवान जी। ये बताइए कि जो मुखियाइन जी को 5 साल का कार्यकाल मिला, उस दौरान इस पंचायत के लिए का विकास का काम किया? सबसे पहला काम है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अंतर्गत 14 वार्ड में जल नल का कार्यक्रम हुआ, और 2400 फीट, सबसे बड़ी बात है कि जो पगडंडी रास्ता है 3 फीट 2 फीट जो पहले से रास्ता था, उसको मैंने 2400 PCC दलित महादलित अल्पसंख्यक बस्ती है उसको मैं PCC कराया। जी, पगडंडी नली गली 2100 फीट नाला का निर्माण हुआ, पक्का नाला, पानी निकासी के लिए 2100 फीट पक्का नाला का निर्माण हुआ, और 5000 फीट PCC सड़क का काम हुआ, जो कि सड़क का काम हुआ, 2-3 पुलिया कार्यक्रम हुआ, 400 प्रधानमंत्री आवास लोगों में मिला, 785 नए प्रधानमंत्री PM योजना में नाम जुड़ा लोगों को, 700 वृद्धा पेंशन का काम हुआ नए मुख्यमंत्री पेंशन योजना में, माननीय मंत्री जी द्वारा एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया, आगे वर्तमान विधायक पाते और विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा सर्वे कराया गया है, नारी कला गांव में 150 घर है जहां पगडंडी रास्ता ही अब तक है, वहां अभी तक रास्ता नहीं है, उनको कह के उसका सर्वे हो गया है, जिला में आवंटन आएगा। मुख्य हमारा काम हुआ कि जिला में जब आवंटन आ जाएगा तो 200 परिवार का सड़क मिल जाएगा, इससे बड़ा उपलब्धि हमको 5 साल का कुछ नहीं। आपके पंचायत में कुछ लोगों से बात हुई है, नल जल की योजना में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, जैसे कि पाइप का लीकेज होना, समय पे कभी कभी पानी आना कभी नहीं आना, ऐसे मामले में क्या बोलें? ना ऐसे मामले में कोई शॉर्ट सर्किट का मामला है, 14 वार्ड में कोई अगर मोटर जल गया, मान लीजिए 1-2 दिन टाइम लगता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जल जाता है तो मिस्त्री जो टेक्निकल है बनता है, उसके बाद पानी का तुरंत उसको हम ठीक कराते हैं। बिल्कुल, मोटर जल जाने के बाद तो समस्या आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए नाली के निकास के लिए लोग बोल रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, नाला का जो पक्का नाला जहाँ निकासी है वहाँ मैंने नाला बनवाया, उसको देखा जा सकता है। सोखता जैसे कि सोखता 200 बना है, सोखता का जो अभी जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो अभी योजना आया है, अब आगे क्या होगा उसमें 200 सोखता लगभग बना है, सोखता तो आवश्यकता है, तो अब आगे जो टर्म होगा उसमें सोखता का जितना होगा सब लोग। जैसा कि आयुष्मान कार्ड के बारे में आप सुने होंगे, स्वास्थ्य कार्ड, तो उसके बारे में जानकारी यहाँ के लोगों को? हाँ, कार्ड बना है, लोग जिनको लोग कार्ड बना है वो सुविधा ले रहे हैं, वो हाँ आशा द्वारा सब लोग को जागरूक कराया गया है कि भाई आप लोग स्मार्ट कार्ड बनाइए। जैसा कि इनके कार्यकाल के अंतर्गत कोरोना काल आया, उस दौरान इनके तरफ से मुखियाइन जी के तरफ से क्या मदद मिली व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से देखिए, जो आदमी आज जो सहयोग राशि होता है, जो चल बना, समझे जो गरीब आदमी है खाने पीने को जो चल बना, वो हम लोग को दिए हैं सरकार के द्वारा, जो स्कीम है मास्क देना, साबुन देना, सैनिटाइज कराना, वो तो होते ही रहा है, यहाँ सेंटर था उसमें। रोजगार के मामले में क्या? रोजगार के मामले जो मनरेगा में जो मजदूर है काम करना है चाहते हैं काम कर रहे हैं, हाँ जो काम इच्छुक है कि काम करेंगे वो काम कर रहे हैं, खाता में जी 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 वो तो ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन है, उसमें कुछ करना नहीं। जैसे कि 5 साल के दौरान कोई ऐसा काम जो चुनाव के दौरान रुक गया? जैसे देखिए, एक काम हमारा जाते जाते रुक गया, जैसे कि हम शुरू स्टार्टिंग हुआ कि हमारे यहाँ 12 कट्ठा जमीन चाहिए पंचायत सरकार भवन के लिए, उसमें जमीन उपलब्ध नहीं था, अभी मैं लास्ट में किसी तरह पता चला, सर्वे करवाया, कर्मचारी संपर्क किया तो जमीन एक पता लगा, तो अटका हुआ है जिला में। एक मुख हमारा है कि हमारे यहाँ पंचायत भवन है ही नहीं, न पहले था न अभी है, तो अभी पंचायत जो चल रहा है एक समुदाय भवन है, उसमें ग्राम पंचायत चल रहा है, ग्राम कचहरी और पंचायत, तो हमारा है कि ये लक्ष्य पूरा हो जाए, कम से कम जो है पंचायत सरकार भवन बन जाए जिला में, अब जब हमारा काम आगे हो जाए, मेन मुख्य हमारा है कि पंचायत सरकार भवन पंचायत में बने। जिसका जैसे कि आपका कोई ऐतिहासिक काम इस कार्यकाल के दौरान जो लोग युगों युगों तक याद रखें? देखिए, हम तो सब जितने भी स्कूल है
सब स्कूल में सबसे पहले मैं मिट्टी का काम किया और सोलिंग कर दिया, जो विद्यालय है सबसे पहला काम किया। और जितने भी सार्वजनिक जगह है मिट्टी भरा के मैं वहाँ सोलिंग कर दिया। अभी सरकार के द्वारा अभी एक 6 महीना पहले आया कि नहीं आप फ्लोर सीमेंट वाले जो ईंट है उससे भी सोलिंग कर सकते हैं। अब मैं चालू कर दिया जहाँ सार्वजनिक जगह है उसको यह ईंट से सीमेंटेड ईंट से सोलिंग करें ताकि लोग सार्वजनिक पर आ जाए तो लगे कि नहीं कोई अच्छा जगह है। कोई ऐतिहासिक काम जो आपने किया है जैसे कि आपने सोलिंग और शिक्षा से रिलेटेड बताया, कोई ऐसा काम कर चुके हैं जो लोग अगर आप ना रहे या ना रहे तो वो याद रखें, ऐसा कोई काम किए हैं जैसे सड़क? देखिए ऐसे जो अभी आपको बताया पहले कि जो हमारे यहाँ जो सड़क है दोस्त है परिवार दलित महादलित वहाँ सड़क नहीं है तो उसका विधायक जी द्वारा माननीय लखेंद्र पासवान जी द्वारा सर्वे हो गया, जिला में पैसा आएगा तो नाम वही काम हमारा हो जाएगा तो नाम रहेगा ऐतिहासिक काम रहेगा कि अभी तक 100-200 बरस में वहाँ सड़क है ही नहीं और 200 परिवार को सड़क मिल गया, इससे बढ़िया क्या लाभ मिलेगा। अच्छा आप अगर अगले बार लोगों का प्यार आपके साथ रहे फिर से जीत जाए और 5 साल का मौका मिले तो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? देखिए पहला तो हमारा है कि पंचायत सरकार भवन हमारे यहाँ बन जाए। हमारे यहाँ जंदाहा प्रखंड में एक ही खेल मैदान है, खेल मैदान के नाम से जमीन है। हम चाहेंगे कि विधायक जी से मंत्री जी उसको स्टेडियम बनाए। हमारा टारगेट रहेगा कि हमारे यहाँ फुटबॉल टीम भी चलता है, बच्चे लोग खेलते हैं समय से, पर उनको हम प्रोत्साहन करते हैं। नारी खुर्द के नाम से एक टीम है फुटबॉल टीम। नारी खुर्द पंचायत में जैसा कि मुखियापति जी बता रहे हैं इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ के लोगों को बच्चे के लोग खेल कूद में भविष्य मिले, यानी कि स्टेडियम बनाए और साथ ही यहाँ पे सड़क का बहुत अच्छा प्रबंध करे। बस काम थोड़ा सा रुक गया है वो भी पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ जैसा कि आपने सुना देखा यहाँ पे मुखियापति से बात हुई जो कि यहाँ की मुखिया सुधा देवी के पति हैं और साथ ही यहाँ पे जो लोगों को परेशानी हो रही है क्या कारण है वो सारे चीज़ इन्होंने बताया है। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है अलविदा लेने का, फिर मिलेंगे दूसरे पंचायत में दूसरे मुखिया जी को घेरे में लेते हुए, क्योंकि हमारा काम है ही भाभी जी है ना जो पंचायत में जाके हर एक जगह मुखिया जी लोग के बारे में पता करती है, क्योंकि अब तो आ रहा है इलेक्शन तो जानना है ना 5 साल में क्या काम किए हैं। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।